with the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, friend, follower, your warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistics and Literature. Our contact number is 0305-631-9464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Respected students, इससे पहले हमने रेमंड विलियम को डिस्कस किया. रेमंड विलियम ने मॉडर्न ट्रेजेडी के बारे में हमें बताया. आज हम डिस्कस करेंगे कैथरीन बेल्से को. कैथरीन बेल्से 1940 में ब्रिटानिया के अंदर पैदा हुए, ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक और एकेडमिक, और ये एज अ प्रोफेसर हैं डरबे यूनिवर्सिटी में, और इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं. जैसे क्रिटिकल प्रैक्टिस जो इनका वर्क है वो 1980 में लिखा है. क्रिटिकल प्रैक्टिस के अंदर ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स हैं, और हर चैप्टर के अंदर इसने कोई अपनी थ्योरी नहीं दी. अब जितने भी पुराने क्रिटिक्स हैं, फॉर एग्जांपल फर्डिनेंड डी सोशर, रोनल्ड बार्थ, और उसके अलावा दूसरे क्रिटिक्स हैं, सारे क्रिटिक्स और थियरिस्ट जो हैं उनकी थीरीज को मिला के उनको डिस्कस करके बेस्ट थीरी जो है वो डिस्कस किया है. डीकंस्ट्रक्शन को बताया कि ये बहुत अच्छी थीरी है, एट द एंड इसको डिस्कस करती है. क्रिटिकल प्रैक्टिस 1980 में इसने बुक लिखी है, द स्टडी ऑफ ट्रेजेडी आइडेंटिटीज एंड डिफरेंस इन रेनेसेंस ड्रामा 1985 में लिखा है. जॉन मिल्टन लैंग्वेज जेंडर पावर 1988 में लिखा है. डिजायर लव स्टोरीज इन वेस्टर्न कल्चर्स 1994 में लिखा है. शेक्सपियर्स इन द लॉस ऑफ ईडन 99 में लिखा है. कल्चर एंड द रियल ये 2005 में लिखा है. वाई शेक्सपियर 2007 में लिखा है. और शेक्सपियर इन द थीरीज एंड ट्रेजेडी, थीरीज एंड प्रैक्टिस 2008 में लिखा है. आज हम इसकी बुक जो है क्रिटिकल प्रैक्टिस उसको डिस्कस करते हैं. काफ़ी लंबी बुक है, मैं इसकी समरी आपको वन बाई वन बता देता हूँ. पहले चैप्टर के अंदर डिस्कस करती है कैथरीन बेल्से, क्रिटिकल प्रैक्टिस के अंदर डिस्कस करती हैं. वो डिफाइन करती हैं डिफरेंट थीरीज और क्रिटिसिज्म को डिफाइन करती हैं, और उनके अफेक्ट बताती हैं लिटरेचर के ऊपर क्या है. जब भी आप किसी पीस ऑफ आर्ट को, किसी लिटरेचर को अवैल्यूएट करते हो, कमेंट करते हो, आपको कोई क्रिटिकल थीरी के अकॉर्डिंग ही आप करोगे, ऐसे तो नहीं कर सकते. यू नीड क्रिटिकल थीरी. आप कौन सी उसके ऊपर थीरी अप्लाई करते हो, स्ट्रक्चरलिज्म या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, आपने उसके ऊपर कुछ ना कुछ अप्लाई करना है. तो देखिएगा, इसके अंदर पहले चैप्टर के अंदर वो डिस्कस करती है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल प्रैक्टिस के अंदर वो डिस्कस करती हैं और प्रपाउंडर करती हैं, बताती हैं क्या बताती हैं, इम्फेसिस किसके ऊपर, राइटर, टेक्स्ट और रीडर. यानी वो बताती हैं कि सबसे पहले लोग राइटर से मानी तलाश करते थे. आपके पास बुक है तो बुक को आप सबसे पहले राइटर की बायोग्राफी, राइटर की एज, राइटर के ऊपर इन्फ्लुएंस, राइटर के साथ हुआ, क्या किया उसने, टोटली उसकी बायोग्राफी स्टडी करते हैं, उसके बाद उसकी बुक स्टडी करते हैं, टोटली एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि ये राइटर ही हमें मीनिंग देगा. बात गौर से सुने, समझने वाली बातें हैं. सबसे पहले आप क्या करते हैं, राइटर को स्टडी करते हैं, राइटर की बायोग्राफी, उसका नॉलेज हासिल करने की कोशिश करते हैं. उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि राइटर की लाइफ क्या है, राइटर क्या है, राइटर का बैकग्राउंड क्या है. उसके बाद आप एक्सपेक्ट ये करते हैं, यानी 5 चैप्टर हैं, कैथरीन बेल्से की बुक है क्रिटिकल प्रैक्टिस हमारे कोर्स में, इसने 1980 में लिखी है, अभी मैंने आपको बताया. तो उसके अंदर आप सबसे पहले क्या करते हैं, राइटर लिख लें पहले चैप्टर के अंदर. टोटल 5 चैप्टर हैं उसके. तो पहले चैप्टर में वो डिस्कस करती है कि अगर आप किसी पीस ऑफ आर्ट को, किसी लिटरेचर को, किसी लिटरेरी जोनरा को अगर आप अवैल्यूएट करना चाहते हो, तो क्या था पहले, क्या करते थे लोग, राइटर के ऊपर फोकस था. विद द पैसेज ऑफ टाइम वो टेक्स्ट पे आ गया, नहीं टेक्स्ट के अंदर मीनिंग है. कुछ क्रिटिक्स ने ये बताया कि राइटर के अंदर मीनिंग नहीं है, राइटर की बायोग्राफी के अंदर मीनिंग नहीं है, उसके बैकग्राउंड नॉलेज पे मीनिंग नहीं, उसकी हिस्ट्री में नॉलेज नहीं है. नॉलेज कहाँ लाए करता है, मीनिंग लाए करते हैं कहां पे, टेक्स्ट के अंदर. टेक्स्ट को फोकस, क्लोज स्टडी टेक्स्ट की गई, ठीक है जी. फिर उसके बाद अल्टीमेटली जब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई तो वो रीडर के अंदर मीनिंग आ,
मैं एक मूवी देखता हूं, मैं उस मूवी को देखने के बाद कहता हूं ये लव स्टोरी है, आपने देखी आपने कॉमिक कह दिया उसको, किसी और ने देखी उसने कहा ट्रेजेडी है। तो एक देखने वाला, व्यू करने वाला, टेक्स्ट को पढ़ने वाला उसको क्या मीनिंग निकालता है ये टोटली उस पर डिपेंड करता है। यानी आपको वो ट्रेजेडी लगती है, किसी और को लव स्टोरी लगती है, किसी को वो ट्रेजी कॉमेडी लगती है, वो टोटली ऑडियंस और रीडर के ऊपर बेस करता है। यानी पहले राइटर के अंदर मीनिंग तलाश किए जाते थे, विद द फिर डेवलपमेंट हुई टेक्स्ट में आ गए, फिर अल्टीमेटली टोटली रीडर पे आ गए। अब ये उसने पहले चैप्टर में बताया क्रिटिकल प्रैक्टिस के अंदर, लिख लें राइटर, एरो का निशान बनाए, साइन बनाए, फिर टेक्स्ट, फिर उसके बाद रीडर। तो उसने बताया, उसने पहले चैप्टर के अंदर बताया, उसने डिफरेंट थीरीज को डिफाइन किया, उन थीरीज के थ्रू वो ये बताती है, शी डिस्कस द मेरिट एंड डीमेरिट्स मेथड ऑफ द कॉमन सेंस इन लिटरेरी क्रिटिसिजम्स एंड प्रपोंडेड दैट हाउ एम्फेसिस हैज शिफ्टेड फ्रॉम राइटर टू टेक्स्ट एंड अल्टीमेटली टू रीडर। यानी पहले क्या था, राइटर के अंदर मीनिंग तलाश किए जाते थे, उसकी लाइफ, उसकी बायोग्राफी, उसका हिस्टोरिकल नॉलेज टोटली स्टडी करने के बाद फिर हम मतलब निकालते थे, वो टोटली राइटर बेस होता था। यानी राइटर सेंटर्ड टेक्स्ट को हम उस लेवल पे पढ़ते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने कहा नहीं, टेक्स्ट को हमें नहीं पढ़ना चाहिए, राइटर को, उसके ऑथर को, हमें टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम टोटली रीडर के ऊपर आ गया कि रीडर उसको कैसे इंटरप्रेट करता है। तो इसी कंसेप्ट को सबसे पहले जिसने बताया था वो था फर्डिनेंड डी सोशर। फर्डिनेंड डी सोशर 1857 में पैदा हुए हैं और 1913 में डेथ हुई है। ये स्विस बोर्न फ्रेंच क्रिटिक था, लिंग्विस्ट था, लिख लें ये स्विस बोर्न फ्रेंच लिंग्विस्ट है और ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक जाना जाता है, एक लिंग्विस्ट था। और इस लिंग्विस्ट ने क्या किया था, जनीवा स्विट्जरलैंड में वहाँ बोर्न और एजुकेटेड था और फाउंडर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक है। 1857 में पैदा हुआ है और 1913 में इसकी डेथ हुई है। बड़े अच्छे आइडियाज़ दिए हैं लिंग्विस्टिक से रिलेटेड। इसको मॉडर्न लिंग्विस्टिक का फादर भी कहा जाता है, फाउंडर भी कहा जाता है। और इसने कंसेप्ट दिया जो आज हम स्टडी करेंगे, इसने कंसेप्ट दिया आपको स्ट्रक्चरलिज्म का और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का। इसने आपको कंसेप्ट दिया लैंग और पैरोल का, लैंग और पैरोल, मैं अभी आपको समझाऊंगा कि लैंग क्या होता है और पैरोल क्या होता है। इसने आपको कंसेप्ट दिया सिग्निफायर और सिग्निफाइड, एक सिग्निफाइड होता है और एक होता है सिग्निफाइड, एक सिग्निफायर और एक सिग्निफाइड। यानी सिग्निफायर मीनिंग और सिग्निफाइड मीनिंग दोनों में डिफरेंट, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर इसने आपको कंसेप्ट दिया सिंक्रोनिक का और डायक्रोनिक का, इसको भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद इसने आपको बताया कि सिंटिग्मैटिक क्या होती है टेक्स्ट के अंदर, सिंटिग्मैटिक रिलेशन क्या होता है टेक्स्ट का और पैराडिग्मैटिक रिलेशन क्या होता है टेक्स्ट के अंदर। ये सारी टेक्निकल बातें हैं, ये लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है, तो आपका चूंकि आपके कोर्स में लिंग्विस्टिक भी है तो ये आपकी हेल्प करेंगे, जब हम इसको स्टडी करेंगे तो ये हमारी हेल्प करेंगे। हम डिस्कस करेंगे आज, बड़े टॉपिक हैं बड़े बड़े, स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, ये भी बड़ा टेक्निकल टॉपिक है, इसको भी हम स्टडी करेंगे कि एक स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। मैं आपको मुख्तलिफ मसाले दूंगा, एग्जांपल दूंगा और उसके थ्रू आपको समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, आप इन फ्यूचर इसको अपनी लाइफ में लिटरेचर पे अप्लाई भी कर सकते हैं और इसको स्टडी कर सकेंगे। अच्छा जी, स्ट्रक्चरलिज्म को स्टडी कौन करता है, लिंग्विस्ट स्टडी करता है, साइकोलॉजिस्ट स्टडी करता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करता है, सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करता है, यानी इन फील्ड के अंदर ये स्टडी होते हैं या इसकी स्टडी को इस्तेमाल किया जाता है। लिंग्विस्टिक में सुन लें, साइकोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में और सोशियोलॉजी में, यानी सोशल साइंसेज के अंदर इसको अप्लाई किया जाता है। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन एक्शन। ह्यूमन बिहेवियर, उसके एक्शन को जो स्टडी करने वाला है वो होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट क्या होता है, जो सोसाइटी को स्टडी करता है। और साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, जो माइंड की स्टडी करता है। लिंग्विस्ट क्या होता है, जो लैंग्वेज को का एक्सपर्ट है। लिंग्विस्टिक क्या है, जो लैंग्वेज की स्टडी करता है।
लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन होती है, लिंग्विस्टिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इट्स डेवलपमेंट, इट्स ओरिजिन, इट्स फोनेटिक सिस्टम, इट्स स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज एक लैंग्वेज ऐसे नहीं है कि लैंग्वेज आपने जस्ट देख ली बस. लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर है उसका, उसका एक सिस्टम है. सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मिलके बनी होती हैं. जैसे आपका एजुकेशन सिस्टम है, उसमें एडमिन ब्रांच भी है, उसमें एडमिशन ब्रांच भी है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो वो फिर इसी तरह मिल बनती हैं. जब आप लिंग्विस्टिक पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा साउंड स्ट्रक्चर एंड मीनिंग. लिंग्विस्टिक के अंडर क्या आता है? साउंड स्ट्रक्चर एंड मीनिंग. यानी साउंड को मजीद हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को मजीद हम आगे डिफाइन कर सकते हैं, मीनिंग को भी हम मजीद डिफाइन करते हैं. साउंड में हम देखेंगे फोनेटिक्स और फोनोलॉजी स्टडी करते हैं जब लिंग्विस्टिक को पढ़ते हैं. और उसके बाद स्ट्रक्चर का जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें उसका सिंटैक्टिक जो सिस्टम है उसको देखते हैं, ठीक है. और उसके अलावा सिंटैक्टिक और उसका स्ट्रक्चर देखते हैं. स्ट्रक्चर क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, मेथड क्या है उसको लिखने का लैंग्वेज को. फिर हम मीनिंग में देखते हैं, एक प्रैग्मेटिक मीनिंग होता है और एक क्या होता है उसका लिटरल मीनिंग, प्रैग्मेटिक मीनिंग, कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग, इस तरह सिमेंटिक मीनिंग. हर चीज़ का एक आपको हर उसके सिस्टम का आगे मजीद सिस्टम निकलेंगे. तो एक सिस्टम जो होता है वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन होता है डिफरेंट सिस्टम, उसके साथ चीज़ें जुड़ी होती हैं तो वो सिस्टम बनता है. तो इसी तरह स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, इस चीज़ को हमने स्टडी करना है. ये बेसिकली एक थीरी थी जो पेश की थी किसने, 1950 में राइटर्स जो थे उन्होंने इसको पेश किया था. और 1960 में इसके रिएक्शन में एक और थीरी आ गई थी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. तो सबसे पहले क्रिटिकल प्रैक्टिस की जो मैं आपको बता रहा था चैप्टर वाइज, कि इसके 5 चैप्टर हैं, पहले चैप्टर के अंदर डिस्कस करती है कि वो डिफरेंट थीरीज को स्टडी करती है, बताती है उनके बारे में आपको से डिस्कस करती है कि राइटर, टेक्स्ट और रीडर. सबसे पहले लोगों ने राइटर्स को स्टडी करते थे, उसके बाद टेक्स्ट पे आ गए और फिर रीडर पे आ गए. कि मीनिंग जो है वो अल्टीमेटली लाए करते हैं रीडर के हेड में, वो जैसे चाहे उसको इंटरप्रेट कर ले, उसको आज़ादी है. रोनल बार्थ ने कहा कि जब राइटर की डेथ हो जाती है, उसने डेथ ऑफ द राइटर लिखी थी, उसने एक बुक लिखी थी रोनल बार्थ ने. रोनल बार्थ क्या था, फ्रेंच एक थियरिस्ट था. तो वो क्या लिखता है, डेथ ऑफ द राइटर, कि जब राइटर की डेथ हो जाती है यानी राइटर जो है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाए तो फिर रीडर जो है वो अंडरस्टैंड करता है. यानी व्हेन ऑथर इज डाइड रीडर इज बोर्न, ये किसका कोट है, रोनल बार्थ का, रोनल बार्थ. अब उसके बाद सेकंड चैप्टर में क्रिटिकल प्रैक्टिस जो 1980 में लिखी है कैथरीन बेल्सर ने, उसने कोई अपनी बुक, कोई अपनी थीरी तो उसने पेश नहीं की, उसने दूसरों की थीरी, फर्डिनेंड डी सोशर को उसने बड़ा डिस्कस किया, जो स्विस, एक स्विस बोर्न जो लिंग्विस्ट है. ये नाम याद रखें, फर्डिनेंड डी सोशर, स्पेलिंग नहीं आते तो मैं बता देता हूँ, FERDINAND फर्डिनेंड DESAUSSSURE फर्डिनेंड डी सोशर, स्विस बोर्न लिंग्विस्ट है. तो फर्डिनेंड डी सोशर जो हैं वो पैदा हुए हैं, लिख लें 1857 में पैदा हुए हैं स्विट्जरलैंड के अंदर, और 1913 में इनकी डेथ हुई है. इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी, एनी हो बहुत सारे फॉलोअर थे, स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने मिलकर इसके नोट्स को कंपाइल करके, इसके लेक्चर को कंपाइल करके अ जर्नल कोर्स इन लिंग्विस्टिक इसकी बुक जो 1916 में, यानी 1916 में इसकी बुक जो है पब्लिश हुई है इसकी डेथ के बाद, यानी 1913 में 1913 में तो ये वैसे ही इसकी डेथ हो गई थी. दूसरे इसने मोस्टली डिस्कस किया है कैथरीन बेल्सर ने किसको, फर्डिनेंड डी सोशर को, जो कि एक लिंग्विस्ट था, स्विस स्विट्जरलैंड का बशिंदा था, राइटर था, लिंग्विस्ट था. सेकंड चैप्टर के अंदर क्रिटिकल प्रैक्टिस के अंदर आपको कैथरीन बेल्सर बताती है, डिस्कस करती है पोस्ट सुशेरियन जो लिंग्विस्ट हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताती है. उसमें वो बताएगी सोसाइटी, लैंग्वेज, लिटरेचर, कि कैसे सोसाइटी, लैंग्वेज और लिटरेचर जो हैं ये आपस में क्या लिंक रखते हैं, सोसाइटी क्या मीनिंग बनाती है. मिसाल के तौर पर अब मीनिंग जो है वो सोसाइटी उसको देती है.
ये अर्बिट्ररी रिलेशन है, अर्बिट्ररी रिलेशन है लैंग्वेज के और ऑब्जेक्ट के दरमियान। ये मिसाल के तौर पर ये पेंसिल है मेरे सामने, तो पेंसिल को पेंसिल क्यों कहा जाता है? मुझे सोसाइटी ने बताया कि ये पेंसिल है। हो सकता है मुझे अगर वो बता देते ये पेंसिल नहीं है, उसको ग्लास कहते हैं, तो मैं आज इस पेंसिल को ग्लास कह रहा होता। मिसाल के तौर पर आपको बताया गया कि ये कैट है, आप उसे कभी भी नहीं मानेंगे ये डॉग है, क्योंकि आपको सोसाइटी ने बता दिया। तो वो कहता है कि सोसाइटी, लिटरेचर और लैंग्वेज जो है ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, और इनके दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है? आर्बिट्ररी है, वो कोई फिक्स नहीं है, कोई रैशनल नहीं है, कोई फिक्स रिलेशन नहीं है। ये हमें क्या, ये ह्यूमन मेड है, इंसानों ने बनाया है, इसलिए इसको आर्बिट्ररी कहते हैं। इट्स नॉट रैशनल वन, इट्स नॉट लॉजिकल वन, ये कोई अकली बेस पे नहीं है, ये लोगों ने बता दिया और हमने उसको मान लिया। हमें किसी ने बताया कि डॉग जो है ना उसको डॉग कहते हैं, तो वो कहता है कि हर चीज का क्या होता है, एक सिग्निफायर होता है और एक सिग्निफाइड, लिख लें, एक होता है सिग्निफाइड मीनिंग और एक सिग्निफायर। आपको, आप जैसे ही डॉग DOG डॉग कहते हैं तो फौरन आपके कुत्ता माइंड में आ जाएगा, तो जो आपके इमेज, मेंटल इमेज आया उसको कहते हैं सिग्निफाइड मीनिंग, जो आपने साउंड पर डोज प्रोड्यूस की है वो सिग्निफायर है। मैंने पेंसिल कहा, ऐसे पेंसिल बोला तो साथ ही पेंसिल की शक्ल मेरे माइंड में बनेगी, जो इमेज आपके माइंड में बना है उसको कहते हैं सिग्निफाइड मीनिंग, याद रखें। और जो आपने बोला है वो क्या है? वो सिग्निफाइड, सिग्निफायर है। जो साउंड आप बोल लिया आपने वो क्या होगी, उसको साउंड या आप लफज, उसको कहते हैं सिग्निफायर। और जो मेंटल में इमेज बनेगी उसको कहते हैं सिग्निफाइड मीनिंग। मिसाल के तौर पे आपने, आपके सामने स्टेपलर पड़ा है, तो आपने स्टेपलर जैसे ही बोला तो आपके माइंड में स्टेपलर का जो इमेज आया, मैं आपको कहता हूँ स्टेपलर, जैसे ही मैंने स्टेपलर का वर्ड जो साउंड प्रोड्यूस किया, आपके इमेज एक बन गया है, वो इमेज जो बना है वो सिग्निफाइड मीनिंग है। ये कहा था किसने, फर्डिनेंड डी सोशर ने ये कंसेप्ट दिया था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1857 और 1913। ये फाउंडर है मॉडर्न लिंग्विस्टिक का, ये फाउंडर है किस कंसेप्ट का, स्ट्रक्चरलिज्म का, स्ट्रक्चरलिज्म का। और लेटर बाद में जो मोर क्रिटिक्स आएंगे इसके बाद, जैक डेरिडा जो कि एक, वो भी एक फ्रेंच था क्रिटिक और थियरिस्ट फिलासफर, वो बताता है, वो डीकंस्ट्रक्शन की आपको थीरी देगा। आपको लेटर जब जैक डेरिडा आएगा, जैक डेरिडा एक ज्यू था स्विस, ये जैक डेरिडा जो है इसकी डेट ऑफ बर्थ लिख लें, ये 1930 में पैदा हुआ है और 2004 में इसकी डेथ हुई, यानी कंटेम्प्रेरी रहा है, तो ये मॉडर्न है, बल्कि पोस्ट मॉडर्न था। जैक डेरिडा जो है ना वो आपको बताएगा कि कोई चीज जो है वो सेंटर नहीं है किसी टेक्स्ट, मिसाल के तौर पर आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं उसका कोई सेंट्रल मीनिंग, नेम ऑफ अल्लाह, किसी चीज के अंदर कोई सेंटर, हर चीज को तोड़े ब्रेक करें उसके अंदर। मिसाल के तौर पर एक स्टूल है, आप उसको तोड़ दें या उसको ब्रेक डाउन कर दें तो उसकी चेयर बना लें, उसी को मजीद चेयर को ब्रेक डाउन कर दें तो उससे छोटी चीजें और बना लें। अब इसी तरह एक पेंसिल है, तो अब पेंसिल को आप ब्रेक डाउन करके इससे कोई और चीजें निकाल लें। अब स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में फर्क ये है कि स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चरलिस्ट जो होता है, मॉडर्न जो स्ट्रक्चरलिज्म का कायल है वो क्या करेगा, लिटरेरी थ्योरी का कायल है वो क्या करेगा, चीजों को एज ए होल लेगा, एज अ स्ट्रक्चर लेगा, लैंग्वेज को भी वो किसी स्ट्रक्चर से समझेगा, पोएम को भी किसी स्ट्रक्चर से समझेगा, ऐसे को भी एक स्ट्रक्चर से समझेगा, एक नावल को भी एक स्ट्रक्चर से समझेगा, लिटरेचर को भी एक स्ट्रक्चर से लेगा, लैंग्वेज को भी एक स्ट्रक्चर से लेगा। मिसाल के तौर पर बिल्डिंग है ना, तो उसका एक स्ट्रक्चर है, अगर हम ईंट निकाल के एक साइड पे कर दें तो वो ईंट की कोई वैल्यू नहीं। वो कहते हैं जी एक स्ट्रक्चर से, हर चीज को एक स्ट्रक्चर से, अगर आप किसी नावल को समझना चाहते हैं तो एज अ स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर फाइंड करें कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको किसने लिखा है, उसकी बायोग्राफी क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो किस एज का था, उसने क्या लिखा था, नावल का स्ट्रक्चर क्या है, किस उसने दूसरे अंदाज से लिखा है। तो ये थी स्ट्रक्चरलिज्म और की थीरीज को, ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कस करके, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब 1960 में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की थीरी आई है तो उसने कहा नो, देयर इज नो सेंटर, कोई सेंटर नहीं है, चीजों को आप ब्रेक डाउन करें तो उससे और मीनिंग निकल आते हैं। 80 में इसने आप उसकी इंटरप्रिटेशन देखें तो उससे और चीज निकला, आप उसको मजीद डिफरेंट एंगल से देखें तो और चीजें निकला, तो मजीद ब्रेक डाउन करते जाएं, आपको नई चीजें निकली, कोई सेंटर नहीं है।
desire deconstructor deconstruction or post-structuralist आपको क्या कहेंगे deconstructionist और structuralist आपको ये बताएंगे कि कोई center नहीं है किसी चीज़ का there is no center लिखा है और लिख लें कि एक छोटा सा record लिखा हुआ है theories and practice we have in a decentered world post-structuralist क्या करते हैं we live in a decentered world हम decentered world में रहते हैं and we cannot know where we are हम ये भी नहीं जान सकते कि हम कहाँ हैं आप एक टेक्स्ट को पढ़ते हैं आपने एक दफा पढ़ी तो उसका और मानी निकला फिर आपने पढ़ी उसका और मानी निकला मैंने पढ़ी तो और मानी निकला किसी और ने पढ़ी तो उसका कोई और मानी निकाली ये रीडर टू रीडर वेरी करता है टोटली रीडर आजाद है वो जैसा मीनिंग चाहे वैसा लेकर वैल्यू कैसा चाहे जो निकाल लेता है तो रीडर जो है वो प्रोड्यूसर ऑफ मीनिंग भी बन जाएगा अकॉर्डिंगली आप जब लास्ट चैप्टर में वो आपको बताएगी फिफ्थ चैप्टर में कि असल में जो रीडर है वो ऑल इन ऑल है वो उससे जो मर्जी इंटरप्रिटेशन ले ले जैसी मर्जी आपने प्रोड्यूस कर ले कुछ अप्लाई करना तो दूसरे चैप्टर में उसने डिस्कस किया सोसाइटी के अंदर पहले चैप्टर के अंदर वो डिस्कस करती है सारी चीजें जो है एक दूसरे लिटरेरी तीसरे चैप्टर में वो डिस्कस करती है अपनी क्रिटिकल प्रैक्टिस के अंदर जो 1980 में लिखी है पाउंडर करती है उसने फिर याद रखिया उसने कोई अपनी थ्योरी नहीं फिसिस किसकी उसने सारी थ्योरीज को कंपैरिजन करके उसने कहा है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो थ्योरी है वो सबसे बेस्ट वो बताती हैं कि सबसे पहले लोग राइटर से क्रिटिकल प्रैक्टिस के अंदर आपके पास बुक है तो बुक को आप सबसे पहले राइटर की बायो करती है अल्थ्यूसर की एज राइटर के ऊपर राइटर के साथ हुआ क्या किया उसने थ्योरी का काया था उसकी बायोग्राफी स्टडी करती है उसके बाद स्टडी करती है पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेक्ट क्या करते हैं ये राइटर ही हमें मार्क्सिस्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है क्लासलेस बात गौर से सुने समझने वाली बातें हैं सबसे पहले बड़ा छोटा नहीं है राइटर को स्टडी करते हैं राइटर की बायोग्राफी इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने उसका नॉलेज की है मार्क्सिस्ट नॉलेज हासिल करने की कोशिश करते हैं अल्थ्यूसर जो था उसके बाद एक मार्क्सिस्ट आप कोशिश करते हैं था फॉलोअर था इसकी आइडियोलॉजी क्या है बेस पे वो फिर राइटर मार्क्स क्या है राइटर का बैकग्राउंड क्या है उसके बाद आप चीजों को मिला के यानी फाइव चैप्टर है कैथरीन बेलसे की बुक है क्रिटिकल प्रैक्टिस जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है इसकी रिस्पेक्ट से वो लिटरेचर 1980 में लिखी लिटरेरी थ्योरी जो है मैंने आपको बताया उसकी उसके अंदर आप सबसे पहले क्या करते हैं राइटर लिख लें ये थ्योरी पहले चैप्टर के अंदर टोटल फाइव चैप्टर में वो इस थ्योरी को डिफाइन पहले चैप्टर में वो डिस्कस करती है लिटरेचर को किसी लिटरेचर को अगर उसके बैकग्राउंड से ठीक है जो दोनों दो पर्सनैलिटी में एक पर्सनैलिटी जो है उसको स्प्लिट करें तो उससे दो चीजें निकल आती है देखने वाला व्यू करने वाला टेक्स्ट को पढ़ने वाला डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस क्या मीनिंग निकालता है ये टोटली उस पे डिपेंड करने की कोशिश करती है यानी आपको वो मेथड को लेती है किसी को लव स्टोरी लगती है किसी को ट्रेजिक कॉमेडी लगती है ये भी एक टोटली ऑडियंस और रीडर के ऊपर जो चैप्टर है उसमें यानी पहले राइटर के अंदर मीनिंग तलाश किए जाते थे विद द डेवलपमेंट वो टेक्स्ट में आगे प्रीवियस साइड की टोटली रीडर पे आ उनमें जो सब ये उसने पहले चैप्टर में बताया कंक्लूड करती है कि डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी जो है राइटर वो बड़ी का निशान बनाए साइन बनाए टेक्स्ट तो डीकंस्ट्रक्शन का मतलब उसने बताया पुल डाउन करना नहीं होता किसी को डिस्ट्रक्शन करना नहीं होता बल्कि ये एक लिटरेरी एनालिसिस है डीकंस्ट्रक्शन क्या है मेरिट एंड डी लिटरेरी एनालिसिस है जिसका जो पेश की थी जैक डेरिडा क्रिटिसिज्म एंड जैक डेरिडा एक जू था एम्फसिस हैज शिफ्टेड फ्रॉम राइटर राइटर है फिलोसोफर है और उसने क्या थ्योरी पहले क्या था राइटर के अंदर मीनिंग क्लैश किए जाते उसने कहा कि मीनिंग जो है वो टेक्स्ट हिस्टोरिकल नॉलेज टोटली टेक्स्ट को ब्रेक डाउन करते जाएं तो नई नई मीनिंग निकालते वो टोटली राइटर ब्रेक डाउन करें मजीद ब्रेक डाउन यानी राइटर सेंटर्ड तो उससे नई नई चीजें लेवल पे आती हैं
लेकिन विद द मीनिंग कहां से हमने कहा नहीं प्रोड्यूस होती है मीनिंग आउट ऑफ द टेक्स्ट द रीडर्स आर फ्री एंड ऑटोनॉमस टू फाइंड द मीनिंग इन एनी वे रीडर के ऊपर आ गया कि रीडर जो है ऐसे ही टोटली जैमनरी ने कहा था वो फ्री है कांसेप्ट को जितना पहले जितने करते जाएंगे जितना उसे ब्रेक डाउन करते जाएंगे उसको बार-बार उसको स्टडी करते जाएंगे तो नहीं नहीं 1857 में पैदा हुए 1930 को कंक्लूड करती है डीपली स्विस बोर्न के लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है क्रिटिक वो रीडर लिंग्विस्ट जो है उसमें लिख लें ना सिर्फ एक इंटरप्रेटर है टेक्स्ट का बल्कि वो क्या कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है टेक्स्ट जाना जाता है ओवरऑल एम्फेसिस यहां पे और इस डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी पे किसको चली जाती है किया था रीडर को जिनीवा यानी रीडर जो है वो रीडर है वो बोर्न कंज्यूमर है वो ऑटोनॉमस इंटरप्रेटर है मॉडर्न यानी वो एक लिंग्विस्टिक ऑल इन ऑल इंटरप्रेटर है और प्रोड्यूसर ऑफ टेक्स्ट और 1930 में पांच चैप्टर जो है क्रिटिकल प्रैक्टिस के बड़ा लिखे हैं मैंने आपको बड़ी अच्छी इसने वर्डिंग में समझा बड़े अच्छे आइडियाज अब मजीद आ जाएंगे स्ट्रक्चरलिज्म क्या है मॉडर्न लिंग्विस्टिक का फादर भी कहा जाता है स्ट्रक्चरलिज्म भी कहा जाता है और इसका जो फाउंडर है लिखने आज हम स्टडी फर्डिनेंड डी सोशन कांसेप्ट दिया आपको स्ट्रक्चरलिज्म का और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो इसके रिएक्शन लैंग और बाद में थ्योरी आई कि पोस्ट लैंग पहले ये 1950 में कि लैंग क्या होता है और डिस्कस किया गया स्ट्रक्चर की हर चीज या सिग्निफायर और सिग्निफाइड पहले एक सिग्निफाइड होता है और एक होता है सिग्निफाइड एक सिग्निफायर 16 में सिग्निफाइड एक बुक सिग्निफायर मीनिंग और सिग्निफाइड जर्नलों में डिफरेंस इन लिंग्विस्टिक्स वो मैं अभी आपको बताऊंगा तो ये नोट्स ने आपको कांसेप्ट दिया थे कि सिंक्रोनिक डिसोशन फर्डिनेंड डिसोशन ने इसको भी लैंग्वेज के बारे में बताया कि उसके बाद इसने आपको बताया कि सिंटैग्मेटिक क्या होती है टेक्स्ट के अंदर सिंटैग्मेटिक है उसको बिल्डिंग से ज्यादा और पैराडिग्मेटिक साइड में बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर है बिल्डिंग सारी टेक्निकल बातें हैं बिल्डिंग के अंदर लिंग्विस्टिक्स से बिल्डिंग के अंदर तो आप स्लीपिंग रूम भी है आपके कोर्स में लिंग्विस्टिक भी है तो ये आपकी हेल्प करेंगे जब हम कॉग्निटिव करेंगे तो ये हमारी हेल्प इसी तरह कहता है हम डिस्कस करेंगे आज ये बड़े टॉपिक हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है बड़ा टेक्निकल टॉपिक आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक बिल्डिंग जो है इटसेल्फ कुछ नहीं है स्ट्रक्चरलिज्म क्या है स्ट्रक्चर से मिसाल के तौर पर अगर एक लैंग्वेज है तो क्लियर मिसाल दूंगा एग्जांपल दूंगा और उसके थ्रू आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह आपको समझ आ जाए उसका सिस्टम है फ्यूचर इसको लैंग्वेज के अंदर लाइफ में लिटरेचर पे अप्लाई भी कर सकते हैं और फोनिक्स स्टडी कर सकते हैं उसका सिंटैक्टिकल अच्छा जी स्ट्रक्चर क्या है स्ट्रक्चरलिज्म को स्टडी कौन करता है लिंग्विस्ट स्टडी करता है मीनिंग साइकोलॉजिस्ट स्टडी करता है एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करता है लैंग्वेज का सोशियोलॉजिस्ट है अगर आप तो समझना यानी इन फील्ड के अंदर ये यानी ये फर्डिनेंड डी स्टडी कांसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद लिंग्विस्टिक में बिल्डिंग का जैसे मैंने बताया कि वॉल जो है अगर आप वॉल से ईंटों को अलग कर दें और वॉल वॉल नहीं रहेगी उसको भी आप एक सोशल साइंस का भी अप्लाई किया कि वो अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट का पोएम का अंदर भी ह्यूमन बिहेवियर है एंड ह्यूमन एक्शन जैसे ह्यूमन बिहेवियर उसके एक्शन को जो स्टडी करने वाला है वो होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट क्या होता है जो यानी 6 और 8 लाइन सोसाइटी को स्टडी है 14 सोनेट इस तरह और साइकोलॉजिस्ट क्या होता है जो हर चीज जो है पोएम का अपना स्ट्रक्चर होता है जो लैंग्वेज की ट्रेजेडी एक अपना स्ट्रक्चर होती है कॉमेडी का अपना स्ट्रक्चर होती है यानी लिटरेचर से देखा जाए लैंग्वेज की स्टडी करता है इस तरह उसके स्ट्रक्चर से आपको वैल्यू डेफिनेशन होती है लिंग्विस्टिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कल्चर को लिटरेचर उसका एक ओरिजिन स्ट्रक्चर जरूर है इस फोनेटिक पोएम है तो उसका भी है स्ट्रक्चर है उसका भी है बिल्डिंग है उसका भी है लैंग्वेज ऐसा नहीं है ये तो वास्तव में अब स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो 1950 में एमर्ज हुआ उसका एक सिस्टम है सिस्टम के अंदर बहुत सारे 1950 में मर्ज हुआ जैसे आपका एजुकेशन जरूरत किसको पड़ती है एडमिन ब्रांच भी उसमें लिंग्विस्ट ब्रांच भी है उसमें बहुत साइकोलॉजिस्ट को एंथ्रोपोलॉजिस्ट को और उसके बाद सोशियोलॉजी जब आप लिंग्विस्टिक पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा क्या यूज करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी को लिंग्विस्टिक के अंडर क्या आता है सॉन्ग स्ट्रक्चर एंड सोसाइटी को यानी सॉन्ग को मजीद हम साइकोलॉजी को डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रक्चर को मजीद इवैल्यूएट करने आगे डिफाइन कर सकते हैं मीनिंग की थ्योरी को भी हम स्टडी करते हैं डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म अप्लाई करते हैं हम देखेंगे फोनेटिक मीनिंग ड्राइव करते हैं या उसको नॉलेजिस्ट करते हैं या उसको वैल्यूएट करते हैं या कमेंट करते हैं उसके बाद स्ट्रक्चर का जो पार्ट डिस्कस करते हैं तो उसमें उसका बॉडी पे सिंटैक्टिक जो बिहेवियर को देखते हैं किसी और इसके अलावा सिंटैक्टिक और स्ट्रक्चर देखते हैं उसको अप्लाई करते हैं स्ट्रक्चर क्या है उसका सिंटैक्स क्या है मेथड क्या है उसको लिखने का लैंग्वेज का स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक इंसान है एक प्रैग्मेटिक मीनिंग होता है और एक क्या होता है
उसके हाथ में एक बहुत बड़ा खंजर है, उसने पकड़ा हुआ है, उसके सामने एक औरत है, सिमेंटिक मीनिंग उसको मार रहा है, हर चीज का उस औरत को एक आपको हर टोटली न्यूड है आगे बजी सिस्टम मारने की कोशिश कर रहा है। सिस्टम जो होता है वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन होता है। अब अगर तो हम स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग देखें या विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, प्रॉपर जो चीज को हम स्टडी करना है, ये बेसिकली एक मीनिंग लेंगे एज अ स्ट्रक्चर देखेंगे, वो रहा है उसको देखेंगे कि हमें पेश की थी किसने। लेकिन अगर आप डीकंस्ट्रक्शन राइटर्स जो डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी और इसके ऊपर पोस्ट और 1960 में जो है उसके रिएक्शन में एक और थ्योरी आ गई, और भी मीनिंग ड्राइव कर आप मीनिंग ड्राइव करेंगे। सबसे पहले उसकी ब्लवर हो क्रिटिकल प्रैक्टिस की, जो ये उसका हस्बैंड बता रहा था चैप्टर वाइज, उसके साथ उसको रॉब करने आया चैप्टर के अंदर डिस्कस करती है, कई मीनिंग का वो डिफरेंट में जस्ट हम उसे रॉबर स्टडी कर रही है, बताती है स्ट्रक्चर हमके बारे में एज अ डिस्कस करती है कि राइटर टेक्स्ट। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चर वाले लोगों ने राइटर्स को स्टडी करते हैं उसके टेक्स्ट पे आ गए और फिर एक कन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग मीनिंग जो है वो अल्टीमेटली लाइक करते हैं रीडर के हेड में, जैसे चाहे फॉलोअर था किसका उसको आजादी है। रोनल्ड बार्थ ने कहा कि जब राइटर की डेथ हो जाती है, उसने डेथ था लेकिन उसने बाद में इसको डिस्कार्ड किया कि बुक लिखी थी रोनल्ड बार्थ जो है वो बेस्ट थ्योरी क्या था, फ्रेंच मीनिंग जो है वो एक है ही नहीं, थ्योरिस्ट था, एक कॉन्टेक्स्ट किसी का एक मीनिंग ही नहीं डेथ ऑफ एज अ कोर मीनिंग किसी भी राइटर का नहीं हो जाती है, यानी राइटर का नहीं है, किसी फिल्म का नहीं है, नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये रीडर जो है वो अंडरस्टैंड कर किसी चीज के अंदर, यानी व्हेन ऑथर इज डाइड ही नहीं रीडर इज बोर्न, कोई देखे तो वो कोई मैं नहीं ले ले, कोई देखे तो कोई रोनल्ड बार ले ले उसका। अब एंटन चेबा सेकंड चैप्टर में क्रिटिकल प्रैक्टिस जो 1980 में लिखी है एंटन राइटर ने, उसने लिखा चेरी आर्चर, अपनी थ्योरी तो उसने पेश नहीं की, चेरी आर्चर जब उसने लिखा मैंने इसको ट्रेजेडी लिखा है, जो स्विस ट्रेजेडी परफॉर्म एक स्विस जो उसका डायरेक्टर था उसने कहा नो ये कॉमेडी, नाम याद रखें फर्डिनेंड डी सोशर से पहले उसने उसने उसको एज अ कॉमेडी लिखा, सॉरी आई एंटन चेकर ने क्या लिखा चेरी आर्चर को ऐसा कॉमेडी लिखा, लेकिन उसके डायरेक्टर ने उसे ट्रेजेडी दिखा दी अपना SSSUR आज भी फर्डिनेंड डी सोशर वो डिस्कस होगा जब भी हम इसको डिस्कस करेंगे उस रशियन आर्ट। फर्डिनेंड डी सोशर जो हैं वो पैदा हुए लिख लें 1857 में पैदा हो गया था, मैंने जो एज अ कॉमेडी लिखा था लेकिन उसके जो डायरेक्टर ने उसको क्या कर दिया एज अ ट्रेजेडी दिखा, उन्होंने कोई बुक नहीं लिखी। अब देखिए मीनिंग वो क्या मीनिंग ले रहा है टेक्स्ट से, लेकिन वो उसने उन्होंने लिल के इसके नोट्स को कंपाइल करके स्ट्रक्चरलिज्म को कंपाइल एग्जांपल है कि उसने उससे और मीनिंग ड्राइव कर लिंग्विस्टिक उससे और मीनिंग निकाली है। ये व्यूअर ये रीडर ये 16 में यानी क्या मीनिंग लेता है उससे जो है पब्लिश हुई है इसके डेट के स्ट्रक्चरलिस्ट यानी 1913 में ये टोटली डिपेंड करता है व्यूअर के ऊपर, टोटली डिपेंड करता है दूसरे रीडर ने मोस्टली डिस्कस किया है क्या मीनिंग ले रहा है, रीडर उससे एक दफा पढ़े तो उसे और मीनिंग आ जाए, फिर वो पढ़े उसे और सेंस ले ले फिर पढ़े, तो इसी तरह वो उससे नई नई चीजें ड्राइव कर सकता है। इवन स्प्लिट सेकंड ड्रॉप सेकंड चैप्टर के अंदर क्रिटिकल प्रैक्टिस के अंदर आपको स्ट्रीम बेल से बताती है करके इंट्रोड्यूस किया था मिसाल के तौर पर लॉर्ड लेवी स्ट्रॉस ने, मीनिंग जो है वो सोसाइटी से ताल्लुक रखता था 90 ये आर्बिट्ररी रिलेशन है और उसका आर्बिट्ररी रिलेशन है लैंग्वेज के उसका नाम था और ऑब्जेक्ट के लॉर्ड सी एल ए यू डी मिसाल के तौर पर ये पेंसिल है मेरे सामने, और मिसाल के तौर पर आपको बताया गया ये कैट है, लेटर रोनल्ड बार्थ आप उसे कभी भी नहीं मानेंगे, ये डॉग ने भी इसको यूज किया, आपको सोसाइटी ने बताया फादर ऑफ लिंग्विस्ट वो कहता है कि जो है फर्डिनेंड डी सोशर लिटरेचर और लैंग्वेज जो है ये 18 लेटर पैदा हुआ है के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है आर्बिट्ररी है, तो ये अ जर्नल फिक्स है या कोई रैशनल नहीं है, लिंग्विस्टिक इसकी बुक है जो इसके हमें लेक्चर वगैरह ह्यूमन मेड इकट्ठा करके बनाई है, इंसानों ने बनाया है उसको डॉग कहते हैं वो कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स की बुक है
क्या होता है लैंग्वेज इज अ सिस्टम को बताता है कि लैंग्वेज जो है वो सिस्टम है साइन का एक होता है सिग्निफाइड मीनिंग और एक साइन का आप अपने पेपर के ऊपर लिखें आपको आप जैसे इसका मीनिंग जो है वो डॉग कहते हैं तो फौरन आपके कुत्ता माइंड में आ जाएगा तो जो आपकी इमेज मेंटल इमेज आया उसको कहते हैं सिग्निफाइड 50,000 लैंग्वेज जो आपने साउंड पर नोट्स प्रोड्यूस किए वो सिग्निफाइड है मैंने पेंसिल कहा ऐसे पेंसिल बोला तो साथ ही पेंसिल की शक्ल मेरे माइंड में बनेगी जो इमेज आपके माइंड में लैंग्वेज को स्टडी किया जाए विद रिस्पेक्ट टू एजेस अगर स्टडी किया जाए जो आपने बोला है वो क्या है इतने वर्ड्स नहीं इंग्लिश के फाइट सिग्निफाई मिडिल जो मिडिल इंग्लिश में बोली है आपने वो क्या होगी फाउंडर है मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का पीरियड ये फाउंडर है किस कांसेप्ट का मीनिंग हर चीज का एक मीनिंग नहीं है स्ट्रक्चरलिज्म का और लेटर बाद में जो लैंग मोर क्रिटिक्स आएंगे इसके बाद लैंग उसने एक कांसेप्ट दिया था उसमें एक कम फ्रेंच था सिस्टम्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ लैंग्वेज का है वो डीकंस्ट्रक्शन की आपको थ्योरी लैंग्वेज का जो एक आपको लेटर जब जैक डेरिडा आएगा जैक डेरिडा के अंदर है स्विस ये जैक डेरिडा जो है इसकी डेट ऑफ बर्थ निकले ये 1930 में पैदा हुआ सब्जेक्ट प्लस वो फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस टेंपरेरी रहा है तो ये नॉट प्लस वो फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बल्कि पोस्ट मॉडर्न ऑब्जेक्ट प्लस जैक डेरिडा जो है ना वो आपको बताएगा कि कोई चीज जो है वो सेंटर नहीं सब्जेक्ट प्लस टेक्स्ट मिसाल के तौर पर नॉट प्लस वो फर्स्ट फॉर्म उसका कोई सेंट्रल प्लस सब्जेक्ट प्लस वो फर्स्ट फॉर्म किसी चीज के अंदर कोई सेंटर हर चीज को तोड़ें ब्रेक करें सिंटैक्टिक मिसाल के तौर पर मेथड है सिंटैक्स टूल है आप उसको तोड़ दें या उसको ब्रेक डाउन कर दें उसकी चेयर बना दें लैंग्वेज का उसी को मजीद चेयर को ब्रेक डाउन कर दें तो उसको लैंग बना लें इसको अप्लाई करके जब आप बोलते हैं कुछ तो उसको पेंसिल को आप ब्रेक डाउन करके इससे कोई और चीजें निकाल लें अब स्ट्रक्चरलिज्म के अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम को आप लैंग कहते हैं जो होता है स्ट्रक्चरलिस्ट जो होता है जो स्ट्रक्चरलिज्म का कायल है वो क्या करेगा सिस्टम ऑफ लैंग्वेज ऑल रूल्स एंड चीजों को ऐसे बोल ले इज कॉल्ड एज अ लिखने में या बोलने में इसको प्रोसेस के तौर पर ये आपको बिल्डिंग किसने दिया तो उसका स्ट्रक्चर है अगर हम ईंट निकाल के एक साइड पे कर दें तो वो सिंपल की कोई ऐसे आपको बताता वो कहते हैं जी एक स्ट्रक्चर से हर चीज को आपके पास अगर आप किसी नॉवल को समझ सकते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर उसका पहले स्ट्रक्चर फाइंड करें स्टडी किया लर्न किया किसने लिखा ए प्लस बी प्लस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस किस एज का था उसने क्या लिखा था नॉवल का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ए बी प्लस दास से लिखा तो ये थी स्ट्रक्चरलिज्म और इट इज जस्ट अ ट्रेडिशनल अप्रोच इट्स अ ब्लैंक मैथ की द पैसेज ऑफ टाइम जब 1960 में फार्मूलाज हैं स्ट्रक्चरलिज्म है थ्योरी आई है तो उसने कहा नो है या देयर इज नो सेंटर नॉलेज है सेंटर नहीं है वो समझ लें उसका ब्रेक डाउन करें तो उससे और मीनिंग निकल आता जब यही आप अपनी आप उसको प्रोड्यूस करते हो कुछ फार्मूला लिखते हो चीज अप्लाई करते हो तो वो एप्लीकेशन मजीद डिफरेंट एंगल से देखें तो और चीजें निकल आती हैं उसका मजीद ब्रेक डाउन करते जाएं करते जाएं मेथड है नई चीजें सिंटैक्स है उसके सारे सेंटर नहीं उसको हम लैंग डीकंस्ट्रक्टर जब हम उसको अप्लाई करेंगे जैसे मैप से और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट व्हाट वर यू डूइंग क्या कहेंगे यस्टरडे डीकंस्ट्रक्शन क्या कर रहे थे स्ट्रक्चरलिस्ट आपको ये बताएंगे कि कोई सेंटर नहीं है ग्रामर का नॉलेज का यूज कर देयर इज नो सेंटर आर यू डूइंग लिख लें उनकी एक स्ट्रक्चर है लिखा हुआ और से देखें तो we have in a decentered world post structuralist kya kehte hain aapse bol raha hu ye mujhe iska knowledge hai to main aapse bol raha hu decentered world hum decentered world mein rehte hain production language ke not know we are hum ye bhi nahi jaan sakte ki hum karte hain write karte hain aap ek text ko padhte hain aapne ek production uska aur mani nikla hai phir aapne padhi uska aur mani nikla hai ye maine padhi to aur mani nikla hai lang and kisi aur ne padhi to uska koi aur mani nikla hai reader to reader vary karta hai totally reader azad hai wo jaisa meaning chahe iske baad noam chomsky ne bhi isko aisa chahe noam chomsky तो रीडर जो है वो प्रोड्यूसर ऑफ मीनिंग भी बन जाएगा जब लास्ट चैप्टर में वो आपको बताएगी फिफ्थ चैप्टर में लिंग्विस्ट है असल में जो रीडर है वो ऑल इन ऑल है
वो उससे जो मर्जी इंटरप्रिटेशन ले ले जैसी मर्जी प्रोड्यूस कर ले आपका लैंग्वेज के बारे में दूसरे चैप्टर में उसने डिस्कस किया सोसाइटी लैंग्वेज और ग्रामर कैसे स्टडी की सारी चीजें साउंड स्ट्रक्चर मीनिंग तीसरे चैप्टर में वो डिस्कस करती है अपने बुक के क्रिटिकल प्रैक्टिस के जैसे 1980 में नॉलेज को कितना समय से आपने उसका उसने फिर याद रखेगा उसने कोई अपनी थ्योरी नहीं दी उसने सारी थ्योरी को कंपैरिजन करके उसने कहा कि सिमेंटिक मीनिंग को जो थ्योरी है वो सबसे लैंग्वेज के अगर ये सारा आपने स्टडी किया किसी को तो ये प्रैक्टिस के अंदर वो बताती है चीज जब आप वो एक्सप्लोर जाते हो चूजर मार्केट जाते हो एक मार्क्सिस्ट था सेंटर में जाते हो या मार्क्सिस्ट थ्योरी करते हो इसी लैंग्वेज को परफॉर्म करते हो तो आपकी मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ उसने कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस मैंने बताया था कि मार्क्स एक्सटेंड किया इसके फर्डिनेंड